हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मॉम स्टोरी बाय साना। तो हिंदी एडॉप्शन एपिसोड्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि हमें अपने परिवार वालों को किस तरह से ये बात बताना है कि हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हम अपने हार्ट बेबी को घर लेके आएंगे। इससे पहले कि मैं आज का ये एपिसोड स्टार्ट करूं, सबसे पहले तो मैं आप सबका दहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूं, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो पे आप लोगों के जो कमेंट्स देख के लिटरली मुझे भी रोना आ गया। मुझे लगा कि आई एम सो लकी, मतलब मैं इतनी खुशनसीब हूं कि मैं कम से कम किसी एक के लाइफ में जो है कुछ मोटिवेशन या फिर कुछ पॉजिटिविटी ला पा रही हूँ। एंड इट मीन्स ए लॉट टू मी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड थैंक यू सो मच कि आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना मुझ पे भरोसा कर रहे हैं आप लोग, इतना आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है मुझे। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, और मैं पूरी कोशिश करते रहूंगी कि जितने दिन तक हो सके और जितना हो सके मैं आप लोगों का सपोर्ट करूं, आप लोगों को गाइडेंस दे सकूं। इनफैक्ट मैंने अभी धीरे धीरे करके बाकी आर्टिकल्स और दूसरे इंटर कंट्री एडॉप्शन के बारे में भी रिसर्च करना स्टार्ट किया है, क्योंकि काफी लोग हैं जो इसके बारे में भी जानना चाहते हैं। एंड क्योंकि मुझे कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं बहुत ज्यादा कुछ इसमें इनपुट नहीं दे पा रही हूँ आप लोगों को, तो बट आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं इस टॉपिक पे भी जो है जितना मुझे समझ में आता है मैं उतना इनपुट दे सकूँ, या फिर एटलीस्ट मैं आप लोगों के लिए किसी ऐसे एडॉप्टिव पेरेंट से मतलब इंट्रोड्यूस करा सकूं जो अपना एक्सपीरियंस इससे रिलेटेड शेयर कर सके। तो बिना और टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं फिर आज का एपिसोड। तो इन द सेंस कि एडॉप्शन करना है या नहीं करना है, ये एब्सोल्युटली एक पर्सनल डिसीशन है, ये किसी के दबाव में आके लेने वाला डिसीशन नहीं है और ना ही मतलब इमोशनल होके लेने वाला डिसीशन है। तो आपने जब ये डिसाइड कर लिया है, क्योंकि आई एम श्योर आप ये रेफर कर सकते हैं, मेरा जो यहाँ पे एक सजेशन में आ रहा होगा एक और वीडियो कि क्या आप तैयार हैं, इस पे मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है। तो अपनी तैयारी के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमें अपने परिवार वालों को जो है इन्फॉर्म करना है कि हमारा डिसीशन ये है। तो हाउ टू बिगिन विथ, मतलब किस तरह से हम इस चीज को शुरुआत करें, क्योंकि हर किसी का जो परिवार है उसका डायनामिक्स अलग होता है, मतलब हर परिवार की थिंकिंग अलग होती है, हर किसी की अपब्रिंगिंग अलग होती है। इनफैक्ट पति पत्नी दोनों के अपने अपने घरों की अपब्रिंगिंग भी अलग होती है। तो हर घर में किस तरह से क्या डिस्क्लोज करना है, कितना बताना है, कैसे बताना है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप सिंगल प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट हैं तब तो आपने अपने पेरेंट्स से ही डिस्कस करके ये डिसीशन लिया होगा, तो आपके केस में मोस्ट लाइकली ये चीज नहीं आएगी कि पेरेंट्स को कैसे डिस्क्लोज करना है। रादर आपके केस में हम ये बात कर सकते हैं कि हमें फ्रेंड्स या फिर फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली को किस तरह से हम बताएं या कितने लोगों को हम बताएं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ये डिसाइड करना है कि हम किस किस को ये बताना चाहते हैं। हमारे केस में मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये डिसाइड किया था कि हम पेरेंट्स और इन लॉज बस यहीं तक इसको लिमिट करेंगे, इसके आगे हम किसी को नहीं बताएंगे। मेरे सिबलिंग्स को या फिर मेरे हस्बैंड के सिबलिंग्स को इस बारे में कुछ नहीं पता था। तो आप ये डिसाइड करिए कि आप किन किन को बताना चाहते हैं। फ्रेंड सर्कल में किसी को नहीं पता था, नोबडी न्यू एनीथिंग अबाउट इट, किसी को कुछ नहीं पता था, हमने किसी को कुछ बताया नहीं था इसके बारे में। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आप किस किस को बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि ये जो डिसीशन है ये आपने बहुत सोच समझ के ये डिसाइड किया होगा। सडनली कोई मतलब आके कोई ऐसी नेगेटिव बात कर देता है या फिर कुछ ऐसी बातें बताता है जिससे कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप खुद अपने आप पे डाउट कर सकते हैं या फिर डिसीशन आप लेने के बाद भी अनहैप्पी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले बहुत जरूरी है कि आप ये डिसाइड करें कि आप किन लोगों के साथ अपना ये डिसीशन शेयर करना चाहते हैं। मैं बार बार डिसीशन वर्ड यूज कर रही हूँ इसलिए क्योंकि आपको अपना डिसीशन बताना है, जिन लोगों को भी आप बताएंगे उनसे उनका सजेशन या ओपिनियन नहीं लेना है।
तो आप अपना डिसीजन बता रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि आप कैसे बताएंगे, हाउ आर यू गोइंग टू कम्युनिकेट टू देम। आप फोन करके उनसे बात करेंगे या फिर आप 1-to-1 आमने सामने बैठ के बात करेंगे। डिसाइड करिए बेस्ड ऑन योर रिलेशनशिप और कितना आप क्लोज हैं उनके। से फॉर एग्जाम्पल, जैसे मदर्स के जो है हम लोग बहुत क्लोज होते हैं, तो हम माओ को जो है फोन पे भी बहुत सारी बातें बता देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हमें मदर और फादर दोनों के साथ बात करना पड़ता है, तो फोन पे कोई भी चीज डिस्क्लोज करना शायद उतना कंफर्टेबल नहीं होता है। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आप डिसाइड करिए कि आप किसको किस तरह से बताना चाहते हैं। अभी का टाइम बहुत ही ज्यादा क्रुशियल है, क्योंकि अभी कोविड है और कुछ लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, कुछ लोग नहीं रहते हैं, कुछ लोग बहुत दूर हैं, अभी ट्रैवल भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में शायद आप वीडियो कॉल की मदद ले सकते हैं। जब भी आप बात करें, कोशिश करिए कि एज ए कपल आप आपकी बात करें, नॉट एज कि हाँ मेरी मतलब उसको मतलब बहुत मन था तो हमने ये डिसाइड किया। नो, ऐसे आप अगर बोलेंगे तो देन अगेन देर विल बी लॉट ऑफ क्रॉस क्वेश्चनिंग। तो आपको हमेशा हम की तरह बात करना, जैसे कि हम नॉर्थ इंडिया में बात करते हैं, जैसे यूपी बिहार वगैरह में हम लोग हमेशा हम कह के बात करते हैं, हम मैं नहीं यूज करते हैं। तो उसी तरह से आपको बोलना है कि हमने ये डिसाइड किया है कि हम ये कर रहे हैं, और ये आप किस तरह से बताएंगे, फोन पे बताएंगे या फिर आप आमने सामने बताएंगे, ये आप दोनों बैठ के डिसाइड करिए कि क्या सही रहेगा क्या सही नहीं रहेगा। प्लीज मैसेज में बताना, व्हाट्सएप में बताना प्लीज अवॉइड करिए, और ग्रुप्स में बिल्कुल मत बताइए, क्योंकि ग्रुप में आप बताएंगे तो बहुत ही ज्यादा गॉसिप हो जाता है, मोर देन सपोर्ट आपके बारे में गॉसिप होना शुरू हो जाएगा, तो विच इज लाइक एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा या फिर एक नेगेटिविटी बढ़ेगी उससे। तो बेटर है कि आप रिफ्रेन करिए कि किसी भी ग्रुप में इस तरह से बताना, इवन फ्रेंड्स ऑल्सो, फ्रेंड्स हो या फिर फैमिली ग्रुप्स हो, ग्रुप्स में कोशिश करिए कि ऐसी बातें नहीं शेयर करिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तब कैसे करें। इफ यू आर स्टेइंग इन अ ज्वाइंट फैमिली, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आप कौन कौन साथ में रहते हैं, और उन सबके साथ आपको ये बताना पड़ेगा, ये डिसीजन आपको उनको बताना पड़ेगा। आमने सामने ही बताना सबसे बेस्ट है, चाय के साथ या फिर खाने के बाद, जैसा भी जो कन्वीनियंट है। ऐसा टाइम देखिए कि जब बाकी लोग जो है फैमिली के वो बिजी ना हो। अगर आप वर्किंग आवर्स के टाइम पे उनको बुलाएंगे अपना डिसीजन बताने के लिए, तो हो सकता है कि वो अपना पूरा हार्ट एंड सोल नहीं दे पाए आपकी बात सुनने के लिए। तो कोशिश करिए कि किसी वीकेंड पे या फिर आफ्टर डिनर या पोस्ट लंच, जब भी मतलब आपको लगता है कि सब फ्री रहेंगे, सब खाली रहेंगे, फ्री माइंड से वो आपकी बात सुन सकते हैं, तो उस टाइम पे जो है उनसे ये बात अपना कहिए कि आपने ये डिसीजन लिया है। जैसे ही आप ये बॉम्ब फोड़ेंगे, सॉरी थोड़ा सा मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये जो न्यूज है ना, ये गुड न्यूज नहीं होता है, उन लोगों के लिए ये बॉम्ब होता है। ऐसा लगता है कि आपने कोई विस्फोट कर दिया, कोई शॉकिंग न्यूज दे दिया है, तो इमिडिएटली इसको गुड न्यूज की तरह एक्सेप्टेंस हो सकता है मिले, हो सकता है नहीं भी मिले। तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर इट कि कुछ भी हो सकता है, देर मे बी एक्सेप्टेंस, देर मे बी रिजेक्शंस। तो जब भी आप ये बॉम्ब फोड़ेंगे, अगेन आई एम रिपीटिंग, तो बहुत सारे आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो बिफोर एनीबडी आस्क यू ए क्वेश्चन, इससे पहले कोई भी आपसे सवाल पूछे, आपको भी ये बताना है कि व्हाई डिड यू टेक दिस डिसीजन, आपका ये डिसीजन लेने का क्या वजह है। क्योंकि अगेन एडॉप्शन जो है सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता है कि हम बच्चे नहीं पैदा कर सकते, ऐसे कोई बायोलॉजिकल रीजन है या मेडिकल रीजन है, देर आर लॉट ऑफ अदर रीजन। सम पेरेंट्स डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू यू नो लाइक ये बायोलॉजिकल प्रोसेस में नहीं पढ़ना चाहते हैं, या फिर उनके कोई और चैलेंजेस हैं, कुछ और कमिटमेंट्स हैं, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं कि वो ये डिसाइड करते हैं। तो प्लीज टेल योर रीजन, रीजन कुछ भी हो सकता है, एज रिलेटेड रीजन हो सकता है कि आपकी एज ज्यादा हो गई है और इस टाइम पे अगर आपको किसी भी तरह का कोई मेडिकल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, दैट कुड बी अ रीजन। सेकेंड इज आप बहुत करियर ओरिएंटेड हैं, आप करियर पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, और अनदर 2-to-3 years आप नहीं चाहते हैं कि इसके इन चक्करों में जो है आपके करियर पे किसी भी तरह का अफेक्ट आए, क्योंकि फिनेंशियल रीजन हो सकता है ये। तो
या फिर हो सकता है कि इट कैन बी एनीथिंग, हो सकता है कि स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से आप चीजें नहीं वर्कआउट हो रही हैं आपके लिए, तो यू डिसाइड कि मतलब हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो जो भी आपका रीजन है उसको वैलिडेट करके आप अपना डिसीजन जो है अपने फैमिली मेंबर्स को, जिन जिन को भी आप बताना चाहते हैं, उनके सामने आप रखिए। कुछ लोगों को हो सकता है ये लगे कि आपने ये इम्पल्सिवली लिया है विदाउट यू नो लाइक थिंकिंग मच अबाउट इट। वो लोग बोले कि मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है और अभी तो काफी कुछ हो जाता है, आप टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों नहीं ट्राई कर लेते हैं। या फिर वो हो सकता है आपको बोलेंगे कि ये सब बकवास है, चलो हम ये हवन करा लेते हैं, हम वो करा लेते हैं। बहुत सारे सजेशंस और यू नो ऑपोजिशंस आएंगे आपके सामने, तो आपको जो है उन चीजों को जो है हैंडल करना होगा। कैसे आप हैंडल करेंगे, अगेन दिस इज गोइंग टू, आपका जो रीजन है वो इन सारी चीजों को जो है बैकअप करेगा। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि इस मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, टेस्ट ट्यूब बेबी भी हो सकता है, उन लोगों को ये डेफिनेटली नहीं पता है कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी को बनाने के लिए जो है कोई 100% सक्सेस रेट नहीं है। तो गोइंग फॉर दोस काइंड ऑफ यू नो लाइक प्रोसीजर्स मे अफेक्ट योर हेल्थ एडवर्सली, आपकी सेहत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, मतलब साइड इफेक्ट्स उसके बहुत होते हैं। दिस डज नॉट मीन कि आपको ये बिल्कुल ट्राई नहीं करना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप फिनेंशियली इतना स्ट्रांग हैं तो आप डेफिनेटली जो है ट्राई कर सकते हैं। आपको ये भी सजेशंस मिलेगा कि यू नो कि बच्चे को कभी बताना नहीं, बच्चे को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा करो कि आप जो है मतलब घर मत आना 2 साल, और आप 2 साल बाद घर आना, हम बता देंगे कि हाँ भाई इनका अपना बच्चा है। तो इस तरह के बहुत सारे यू नो लाइक आपको क्या बोलते हैं बैकग्राउंड या फिर बैकड्रॉप्स आपको सुनने को और समझाए जाएंगे आपको। तो बी रेडी फॉर इट एंड यू बी वेरी क्लियर कि आप इसको कैसे टैकल करेंगे। तो आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं बता रही हूँ इसको आप कैसे टैकल करेंगे। इसके अलावा अगेन लड़का और लड़की में आपको बोला जाएगा कि नहीं लड़की मत लेना, लड़के लेना, या फिर लड़का मत लेना, लड़की लेना। तो अगेन ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, ये किसी के इन्फ्लुएंस में आपको आके डिसाइड नहीं करना है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। तो नाउ जब इस तरह के जो आपके हर्डल्स आएंगे या फिर इस तरह के जो प्रिजम्पशंस या प्री कंसेप्शंस आपके ऊपर जो है बॉम्बार्ड किए जाएंगे, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको एक्सप्लेन करना है प्रेजेंट एडॉप्शन प्रोसीजर। प्रेजेंट एडॉप्शन प्रोसीजर किस तरह से होता है, कारा के थ्रू होता है, कैसे रजिस्टर करना है, और एट द सेम टाइम क्यों डिस्क्लोज करना जरूरी है, ये भी आपको उन्हें बताना पड़ेगा। क्योंकि ये पुरानी मतलब सोच है कि किसी को नहीं बताना है। एंड ऑफ कोर्स आपने तो हिंदी मूवी तो बहुत देखी होगी आपने, और हिंदी मूवी में हमेशा एंड यही होता है कि जो एडॉप्टेड जो बच्चा होता है, जो जो माँ बाप पाल पोस के बड़ा करते हैं, अल्टीमेटली उनका जो वो बच्चा होता है वो अपने बर्थ पेरेंट्स में जाके ही वो मिल जाता है, दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी, वो हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। ऐसे कई केसेस भी हुए हैं जहाँ पे मतलब एडॉप्टिव बच्चे एडॉप्टिव चिल्ड्रन अपने बर्थ पेरेंट्स से जाके मिले हैं और वहां से उनको रिजेक्शन फेस करना पड़ा है। इसके अलावा एक और बहुत जरूरी चीज है जो आप कर सकते हैं वो ये है कि किसी एक्सपीरियंस मतलब एक पहले से जिन्होंने एडॉप्ट किया हो, एक एडॉप्टिव पेरेंट से आप उनकी बातचीत कर रहे हैं, या फिर आप किसी काउंसलर से उनकी बातचीत कर रहे हैं। अगर कई बार हो जाता है कि पेरेंट्स हो या फिर कोई भी ऐसे फैमिली मेंबर्स हो बहुत रिजिड हो जाते हैं कि नहीं जो आप कह रहे हैं वो हम नहीं मानेंगे, आपको हमारी ही बात माननी पड़ेगी, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। तो इन दो सर्कमस्टेंसेस आप जो है उनकी काउंसलर से बात कराइए या फिर किसी एडॉप्टिव पेरेंट से जो कि काफी एक्सपीरियंस्ड हो, मतलब जिनने जिनके एडॉप्ट किए हुए जैसे 10-12 साल हो गए हो, उस तरह के किसी पेरेंट से आप उनकी एक बार बात कराइए। तो देन देर विल बी मोर ओपननेस इन दैट, मतलब उनको भी मतलब आज की जो डेट में क्या नेसेसिटी है, क्यों कोई चीज करना है, कोई क्यों नहीं करना है, इसकी क्लैरिटी मिलेगी उनको। तो इन द एंड मैं ये कहना चाहूंगी आप सब लोगों से कि कोशिश करिए कि जितने कम लोगों को आप बता सकें उतना अच्छा है, क्योंकि बात जितनी ज्यादा फैलेगी होने से पहले तो कई बार जो है मतलब बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं।
इनफैक्ट आप लोगों को एक जनरल ट्रेंड भी पता होगा कि कई बार प्रेगनेंसीज में भी 3-4 महीने तक लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि हाँ भाई मतलब हमारे यहाँ कोई मेहमान आने वाला है या वॉट एवर जो भी है गुड न्यूज है. एंड प्लीज कंसिडर योर डिसीशन टू एडॉप्ट एज योर प्रेगनेंसी. ये आपकी काफी लंबी प्रेगनेंसी है क्योंकि एक बार आपने रजिस्टर कर दिया कारा में, एक बार आपका HSR कंप्लीट हो गया और आपका वेटिंग स्टार्ट हो गया है, यू आर एक्चुअली प्रेग्नेंट विथ योर हार्ट चाइल्ड. क्योंकि वो आप तो आपकी जो ये प्रेगनेंसी है लंबी चलेगी, ऑफकोर्स अनसर्टन है. नॉर्मल प्रेगनेंसी बायोलॉजिकल प्रेगनेंसी की तरह नहीं है कि 9 मंथ्स ही चले. तो कंसिडर दिस एज योर प्रेगनेंसी पीरियड एंड एन्जॉय योर प्रेगनेंसी पीरियड. एंड मेरे आने वाले वीडियोस में जो है मैं आप लोग को ये भी बताऊंगी कि हाउ आर यू गोइंग टू टैकल विद दिस वेटिंग एंग्जाइटी, और ये वेटिंग पीरियड में आप किस तरह से अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं इस वेटिंग पीरियड में, और बहुत सारी बातें इससे रिलेटेड हम करेंगे. बट आज के लिए बस इतना ही. आई होप आपको आज का ये वीडियो काफी यूजफुल रहा होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी सो मच लव फ्रॉम योर एंड. थैंक यू, टेक केयर, स्टे ट्यून टू माई चैनल मॉम स्टोरी बाय साना.